देखो यहाँ पे कितनी खतरनाक मस्ती हो रही है। बाल मत खींचना दीदी के। ये देखो कैसे चिल्ला रहा है, ये कैसे चिल्ला रहा है, और ये कितनी मस्ती कर रहे हैं। सलाद में आज हमारे यहाँ बना है ये नमकीन आलू, और ये मैंने बनाई है साबूदाना की खीर। ये बन रही है हमारी साबूदाना की खिचड़ी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्लैम विद राजपूत कपल। आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग शिव भक्त हैं वो समझ सकते हैं कि आज उनके लिए कितना बड़ा दिन है, और इसीलिए मेरे लिए भी बहुत बड़ा दिन है। और आज मैंने जो जो प्लान किया था वो बिल्कुल नहीं हो पाया। मैंने सोचा था सुबह सुबह उठूंगी, नहाऊंगी, पूजा करूंगी, ये वो, तो कुछ भी नहीं हुआ। जब आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो आप जो प्लान करते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। तो अभी 11 बज गए हैं, तो अभी मैं 11 बजे जा रही हूँ शिव जी का अभिषेक करने के लिए। आध्या को और भैयू को मैं यहीं पर छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि भैयू सो गया है। पहले मैंने प्लान किया था कि दोनों को साथ में ले जाऊंगी, पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। एक्चुअल में पॉसिबल ऐसे नहीं हो पा रहा है, मैं पूजा की थाली को हाथ में पकड़ती या भैयू को हाथ में पकड़ती, किसको हाथ में पकड़ती। तो फिर मैंने प्लान थोड़ा सा चेंज किया। मैंने प्लान किया आज इनके पापा हैं वो सुबह सुबह ऑफिस चले गए हैं, वो मंदिर नहीं जा पाए थे। जॉब भी ज़रूरी है भाई, काम है अपना, तो सबसे पहले कर्म करना ज़रूरी है। तो वो सुबह मॉर्निंग में उनकी छुट्टी नहीं है, तो 6:30 बजे ही निकल गए थे। तो वो शाम को मंदिर जाएंगे, तो दोनों बच्चे उन्हीं के साथ मंदिर जाएंगे। मतलब हम चारों एक बार फिर जाएंगे, पर सुबह एक बार मैं हो आती हूँ। और ये हमारी आद्या भी नहा धो के राजकुमारी जैसे बन के तैयार हो गई है ना बेटा। इसको पता नहीं क्यों सर्दी हो गई है, नाक को ऐसे करके भी दिखा रही है। क्योंकि मैंने छुट्टी थी तब मैंने बाथटब में नहाया था ना, इसलिए। ओके, मैं मंदिर जाया हूँ बेटा। हाँ, दोनों का ध्यान रखना है, भैयू का और अपना। ओके, गेट लगा लेना। इसके पापा ने इसको बर्थडे में बाथ टब दिया था, सो इसने उसमें नहा लिया है। नहा लिया क्या, काफ़ी सारे टाइम तक नहाया था, मैंने मना किया था क्योंकि विंटर अभी अभी गई है, तो इतनी गर्मी भी नहीं है अभी। मतलब बच्चे लॉन्ग टाइम तक अगर पानी में रहते हैं तो उन्हें सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, पर बच्चे मानते नहीं है। ये महादेव के मंदिर से मैं ठंडाई का प्रसाद लाई हूँ आध्या के लिए। कैसी है? अच्छी है। पी लो फटाफट 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 फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं मंदिर को क्या गई, ये शाम को जाएगी, पर मेरी बच्ची बहुत अच्छी है ना आद्या। मैं मंदिर चली जाती हूँ तो जिद भी नहीं करती, वो फोन देख रही है, फोन पता नहीं कैसे चालू कर लिया। हटाओ 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 सामने से, है ना बेटा। अच्छी बच्ची है ना, जिद नहीं करती। और मैं चली आती हूँ तो भैयू का भी ध्यान रख लेती है, उसको भी झूला देती है, उसको भी शांत रखती है। इतनी प्यारी गुड़िया है मेरी, स्कूल का होमवर्क भी टाइम से कर लेती है ना। प्यारी नहीं है? नहीं है। हाँ, ऐसे बोल रही है, नहीं है प्यारी। हाँ हूँ। है, क्यों है प्यारी? अच्छी। यहाँ पर रख दी है मैंने मुरैया की खिचड़ी बनने के लिए, यहाँ पर रख दी है मैंने आलू बॉइल करने के लिए, साबूदाने भी मैंने भिगो दिए हैं। साबूदाने की खिचड़ी और आलू भाजी मैं शाम को बनाऊंगी, अभी बना रही हूँ मैं मुरैया की खिचड़ी। वैसे मैंने सोचा कि ऐसे ही चल जाएगा, पर आद्या को भूख लगेगी, आद्या भी फास्टिंग कर रही है, तो इसलिए मैंने मुरैया की खिचड़ी बनाई है। वो बड़े प्यार से खाती है, उसको अच्छी लगती है। भाई सो रहा है, तब तक मैं शाम की भी थोड़ी सी तैयारी करके रख देती हूँ, तो शाम को फटाफट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर कितनी खतरनाक मस्ती हो रही है इन दोनों की। खींचना दीदी के बाल मत खींचना दीदी के। ये देखो कैसे चिल्ला रहा है, ये कैसे चिल्ला रहा है आद्या, और ये कितनी मस्ती कर रहे हैं। भाई ओ, बड़े मजे करते हो तुम लोग, है ना आदू। फिर भाइयों के साथ मस्ती करना अच्छा लगता है। ये आया शेरा, शेरा आया, शेरा लग गया, पल में मस्ती और पल में रोना,
है ना आद्या। मैं ये कुर्ता चेंज कर देती हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसकी इतनी बड़ी स्लीव्स हैं, तो इसमें काम करने में मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही है। आज महाशिवरात्रि के दिन पर शिबू को हम पहली बार मंदिर दर्शन करवाने ले जा रहे हैं। अभी तक वो शिव जी के दर्शन करने नहीं गया, शिव जी का मंदिर हमारी सोसाइटी में ही है और आद्या के पापा सुबह नहीं जा पाए थे तो अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जॉब की, और शिबू को वहाँ पे दर्शन करवाना जरूरी था। फिर हम लोग चले जाएंगे शिबू के मामा के घर, मतलब मेरे मम्मी पापा के घर। और जब मैं प्रेग्नेंट थी तो बहुत सारी पूजा करने आती थी, यहाँ बैठ के पाठ करती थी और मैं एक एक दो दो घंटे का टाइम यहाँ पर स्पेंड करती थी। आज मंदिर में 508 दिए की आरती होने वाली है तो उसकी तैयारी हो रही है। ये रंगोली देखो कितनी सुंदर है, दिए प्रज्वलित होकर कितने सुंदर लग रहे हैं। आरती में मजा आ गया और वहाँ पे डेकोरेशन भी बहुत प्यारा है और हमारे भैयों को अच्छे से दर्शन भी मिल गए और वहाँ से प्रसादी लेकर अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं अशु? पेट्रोल पुरवाना, तो पेट्रोल करवाने जा रहे हैं फिर जाएंगे अपने घर। फलार में आज हमारे यहाँ बना है ये नमकीन आलू, फलारी आलू, करी पत्ता, सिंग वगैरह डालकर। और ये मैंने बनाई है साबूदाना की खीर थोड़ी सी, और ये बन रही है हमारी साबूदाना की खिचड़ी, ऑलमोस्ट डन है, एक दो मिनट और लगेंगे तैयार हो जाएगी। ये रही हमारी स्मोकी जीरा छाछ। तो ये मैंने आद्या के पापा की प्लेट लगा दी है और मैं उनको देने जाती हूँ। कैसा है यशु? मस्त है। क्या खा रहे हो? साबूदाना की खिचड़ी। ओके, और ये आलू भाजी ट्राई करके बताओ। ऑसम, ओके। जीरा छाछ, स्मोकी छाछ बनाया आज, बढ़िया है। खीर भी टेस्ट कर लो, खीर कम पसंद है उनको। खीर तो दिन में ऑलरेडी भूख लगी है। मजा आ जाएगा आज तो, मजा आ जाएगा आज तो, सब पीना। तो ऐसी रही हमारी शिवरात्रि। इसके हाथ देखो, नई तरीके से चलाता है अभी, घुमा घुमा के इधर से डांस कर रहा हो, रो रहा है। पर ओ सर्दी हो गई इसको, बेबी को आज सर्दी हो गई, सर्दी हो गई। तो ऐसा रहा हमारा महाशिवरात्रि का व्रत। आप लोगों का कैसा रहा, आप लोग कैसे पूजा करते हैं, फलार में क्या खाते हैं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।